हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला वन में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो देखने वाले क्वेश्चंस वो हैं आपके वन्य जीव अभयारण्य पे, ठीक है। आपके भारत के जो मुख्य वन्य जीव अभयारण्य है सारे, वो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके कवर होने वाले। प्लीज़ वीडियो पर एंड तक बने रहे और सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक आप देखिए, ठीक है। इससे आपके जो है ये वाला टॉपिक जो है आपका बहुत अच्छे से तैयार होगा। ये पिछले BPSC में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले वर्षों में आ चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? कौन सा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या ओडिशा? तो आप सभी इसका उत्तर जानते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है आपका कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक। कौन सा नल सरोवर? अगला देखिए, आपको यहाँ पर जो है मैच द फॉलोइंग कराना है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। एक दूसरे कलम एक को कलम दो से क्या करना है? मिलाना है। बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? आपका ये है कर्नाटक में, ठीक। बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। फिर माउंट आबू वाइल्ड लाइफ, ये आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। और पेंच जो आपका है मध्य प्रदेश में, कान्हा, पेंच, पन्ना, ये सब आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? पेरियार, ठीक, शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या फिर जंगली हाथियों के लिए? तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा, जंगली हाथियों के लिए आपका कौन सा प्रसिद्ध है? पेरियार गेम, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा, ये आपका कहाँ पर है? तो आप सभी इसका उत्तर बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आपका कौन सा? चंद्रप्रभा। और एकमात्र नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, वो कौन सा है? आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कौन सा है आपका? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा आपका कहाँ पर है? तो आप सभी जानते होंगे कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पर है? असम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। केवला देव घना पक्षी, ठीक, बिहार। केवला देव, रणथंभौर, ये सब आपके कहाँ पर है? आपके कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये आपका कहाँ पड़ेगा? भरतपुर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, नंदा देवी जो चोटी है उसके बारे में आपने सबने सुना ही होगा। कौन सा आपका? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में? तो नंदा देवी जो चोटी है उसी प्रकार इसका जीव मंडल भी है, तो ये कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में। अगला देखिएगा, मानस पशु विहार, मानस आपका कहाँ पर है? और कैबिल लामजाओ, तो ये आपके जो है मानस आपका कहाँ पर है? आपका असम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर जाएगा किसके साथ? असम के साथ जाएगा। मानस जो है आपका कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, किसके लिए? अभयारण्य राइनो के लिए कौन जाना जाता है आपका? राइनो जो है काजीरंगा, गिर, रणथंभौर या कॉरवेट। अच्छा, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? आप सभी कमेंट में आंसर करिएगा। गिर आपका कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है फ्रेंड्स। रणथंभौर जो है आपका कहाँ? राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? काजीरंगा, ठीक है। अगला देखिए, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स वैली जो है फूलों की घाटी, ठीक, फूलों की घाटी जो है आपकी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सीटेट में भी टॉपिक है और आपका वैसे भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, फ्लावर्स जो है, फ्लावर ऑफ वैली आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखिएगा, आपकी साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली जो है कहाँ पर है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। साइलेंट वैली आपकी कहाँ पर है? फ्लावर्स ऑफ वैली उत्तराखंड, बट साइलेंट वैली आपकी कहाँ पर है? इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा। चलिए अगला देखिए, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, कौन सा? मधुमलाई। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा, क्या होगा? व्याघ्रों के लिए, ग्वालों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? कौन सा? मधुमलाई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? व्याघ्रों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है,
किस राज्य में है, अभी मैंने आपको बताया GIR गिर और G से आपका क्या गुजरात, ठीक। तो ये आपको भूलेगा नहीं, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि गिर से गुजरात और गा से आपका क्या गुजरात, ठीक। किसके लिए? वन शेरों के लिए। अगला देखिए नाम दफा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप देखिए BPSC में पूछा जा चुका है, ये आपका कौन सा गिर वाला, ठीक। अब नाम दफा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग ऑलमोस्ट एग्जाम्स में जितने फेमस वाले हैं वो थोड़े से कम, जो आपको थोड़े से उस तरह से लगते हैं वो ज़्यादा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाम दफा आपका कहाँ पर है? तो नाम दफा आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, और नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ठीक। और नाम दफा आपका क्या है? नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है नाम दफा, और वन्य जीव अभ्यारण्य तो दोनों आपके कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है खग चंद्र जेंदा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? आपने कम सुना होगा लेकिन इसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इसी तरह से आपके फंस जाते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या असम किस राज्य में है? तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाएगा क्या? सिक्किम के साथ। अगला देखिए डाम्फा बहुत सुना होगा, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी? डाम्फा आपका कहाँ पर है? तो डाम्फा आपका है मिजोरम में, ठीक। कहाँ पर जाएगा आपका? मिजोरम। ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को आप प्लीज़ सॉल्व करके जाइएगा। चलिए देखिए रिवीजन हो रहा है आपका जल्दी जल्दी, क्योंकि पेपर आपका बहुत पास आ चुका है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? प्रोजेक्ट टाइगर वाले भी आप पढ़ के जाइएगा, प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से हैं? कान्हा, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट या केबुल लामजाओ के बारे में बताती हूँ आपको मैं। केबुल लामजाओ जो है क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सा है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ पानी में तैरता हुआ क्या नेशनल पार्क, पानी पे ही बना रखा है इसको। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एस इन ऑप्शन दे देगा, पूछेगा आपसे एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, या तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो केबुल लामजाओ है वो किस राज्य में है, ठीक। तो आप सभी इसका आंसर करेंगे क्या? केबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बहुत आसानी से क्वेश्चन सारे कर ले जाएंगे, बस ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिएगा, महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या चीतल का, किसका? 28 नंबर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो 28 नंबर को क्वेश्चन का आंसर जाएगा क्या? एशियाई हाथी के लिए। जो ये नाम है ना फ्रेंड्स, एशियाई हाथी के लिए भी पूछ सकता है आपसे, ऑप्शन क्वेश्चन में एशियाई हाथी डाल देगा और किस कहाँ पर किस चीज़ के लिए तो आपका ऑप्शन में राजा जी दे देगा, तो आपको ये दोनों ही तरह से क्वेश्चन पता होने चाहिए। चलिए अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, ये आपको क्या करना है, सूची एक को सूची दो से क्या करना है? मिलाना है। एक तरफ आपके राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके क्या दे रखे हैं? राज्य दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से एक दो भी पता है तो भी आप आसानी से आंसर निकाल ले जाएंगे, बस आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए, सारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो चलिए सूची एक को सूची दो से आप मिलाइए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन आपकी कहाँ पर है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्या कांगेर घाटी आपकी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ही है, तो किसका जाएगा? ए का वन से ही जाएगा। अगला देखिए नागरहोल बहुत आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में, ठीक, ध्यान से मिलाइएगा फ्रेंड्स, ठीक। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ए का वन कहाँ पर है? दो ऑप्शंस में, ठीक है। अब अगला देखिए बी का आपका फोर आपका क्या है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, चलिए अब अगला देखिए कुगती वन जीव अभ्यारण कहाँ पर है आपका? कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण कहाँ पर है आपका? तो यहाँ पर जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर हरियाणा 2।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में करेक्ट मैच करेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर इस इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपके चार पांच क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कितने आपके तीन चार क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाते हैं। चलिए देखिए, नाम दफ़ा अभी मैंने आपको बताया, नाम दफ़ा आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए ये देखिए, पहला बांदीपुर, बांदीपुर आपका कहाँ पर है, पेरियार आपका कहाँ पर है और लामजाओ आपका कहाँ पर है। चलिए देखिएगा, तो केबुल लामजाओ जो है आपका कहाँ पर है, मणिपुर में है। ठीक है, और आपका पेरियार आपका कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, पेरियार आपका कहाँ है, केरल में, और बांदीपुर आपका कहाँ है, कर्नाटक में। तो ए का टू, ए का टू दो ऑप्शंस में, फिर ऑप्शन नंबर टू की ओर बढ़िए, टू का वन, टू का वन आपका बी का वन, तो आपका यहाँ पर जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे तो आप इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। एक तरफ आपके दे रखे हैं क्या, राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरी तरफ आपके दे रखे हैं राज्य। ठीक, चलिए देखिए, तो आपका जो है मिलाइएगा, बांधवगढ़ आपका कहाँ पर है, बांदीपुर, रोहला और गिर। तो इसमें से अगर आपको एक भी पता है, आपका गिर कहाँ है, गुजरात में, अभी मैंने बताया था जी से गिर और जी से गुजरात, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, कौन सा आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो डी का ऑप्शन नंबर टू, डी का ऑप्शन नंबर टू आपका कहाँ पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या यहाँ से आप आंसर पकड़ लीजिए, फिर भी चलिए सारे क्वेश्चंस को मिला लेते हैं। अब देखिए ए का थ्री, तो आपका बांदीपुर कहाँ जाएगा, बांदीपुर आपका कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश में। आपका रोहला कहाँ जाएगा, रोहला जाएगा आपका कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और आपका जो है बांधवगढ़ आपका कहाँ जाएगा, कर्नाटक में, सॉरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, ये लास्ट स्लाइड है फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो यहीं पर एंड करेंगे और ध्यानपूर्वक आप सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। अब इस क्वेश्चन से भी आपके क्या होंगे, आपके तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए, गिर आपका कहाँ पर है, अभी बताया गिर आपका राज गुजरात में। ठीक, भरतपुर, भरतपुर आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, भरतपुर सेंचुरी कहाँ है आपकी, राजस्थान में। बांधवगढ़ आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और आपका काजीरंगा कहाँ पर है, असम में। तो ए का फोर, ए का फोर आपका कहाँ है, ए का फोर आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ मिलती रहें, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।